दिल्ली के मुख्यमंत्री जो कि हंसी का पात्र ही बनते आए हैं, इस बार भी उन्होंने उसी रीत को निभाया है। और गृह मंत्री अमित शाह कोई हिसाब बकाया नहीं रखते, यह तो सभी जानते ही हैं। तो इस बार भी संसद में दिल्ली के लिए स्वघोषित मालिक अरविंद केजरीवाल का बिना नाम लिए ऐसी फजीहत की जिसका अनुमान सभी को था, क्योंकि केंद्र कोई नीति लाए और केजरीवाल सरकार उसका विरोध न करे, ऐसा होना तो असंभव है। तो दिल्ली नगर निगम एकीकरण को लेकर केंद्र सरकार जैसे ही सदन में दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 लाई, केजरीवाल सरकार की हालत खास्ता हो गई। न जाने क्या क्या आरोप मढ़े गए, पर अमित शाह आए और अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार के आरोपों पर उन्हें बुधवार को विधेयक पारित होने से पूर्व धोते चले गए। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर, जो है देश का सबसे बड़ा अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अनिकेत राज आपको बताऊंगा कि कैसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल अरविंद केजरीवाल जैसे आधे ज्ञानी लोगों को संविधान का पाठ पढ़ाया और कैसे अमित शाह की लताड़ के बाद अब शांति ही शांति है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में विधेयक से जुड़े प्रश्नों पर एक साथ उत्तर देने के पश्चात कहा कि दिल्ली के 3 नगर निगमों के विलय का प्रस्ताव करने वाला विधेयक संवैधानिक रूप से कानूनी है और इसका विरोध करने वालों को संविधान को फिर से पढ़ना चाहिए। दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा के दौरान लोकसभा में बोलते हुए शाह ने कहा कि चूंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, अनुच्छेद 239(aa)(3)(b) संसद को कानून बनाने और केंद्र शासित प्रदेश या उसके किसी भी हिस्से से कानून से जुड़े मुद्दों पर फैसले लेने का अधिकार देता है। दरअसल अरविंद केजरीवाल को जैसे ही पता चला कि केंद्र सरकार दिल्ली की 3 नगर निगमों पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को एकीकृत करने की योजना बना रही है, उस दिन से राज्य भर में विवाद उत्पन्न करने की प्रवृत्ति वाले आम आदमी पार्टी के नेताओं ने केंद्र पर निशाना साधना शुरू कर दिया था। कभी दिल्ली नगर निगम को केंद्र अपने अधीन ले लेगा यह बात, तो कभी दिल्ली में एक प्रशासक की नियुक्ति कर दी जाएगी वो बात, या केंद्र राज्य सरकार की शक्तियां छीन लेगा यह बात। इन सभी बातों का सिगुफा लिए पूरी आम आदमी पार्टी सड़क पर ऐसे रोती दिख रही है जैसे न जाने मोटा भाई ने दिल्ली की विधानसभा ही भंग करा दी हो। पहली बात तो यह है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल जितना तथ्यपरक और बुद्धिमत्ता से भरपूर स्वयं या अपनी पार्टी को प्रदर्शित करते हैं, उनमें 50% भी उसका अंश नहीं होता तो केजरीवाल और उनकी पार्टी अभी तक जनता को बरगला नहीं रही होती। यह सभी आरोप जो आम आदमी पार्टी या कांग्रेस या अन्य विपक्षी दलों ने लगाने के प्रयास किए, सभी आधारहीन थे। गृह मंत्री अमित शाह ने एक शब्द पर जोर देकर कहा कि दिल्ली एक संघ राज्य है। राज्य और संघ राज्य का भेद यदि नेताओं को नहीं पता है तो निश्चित रूप से उन्हें पुनः संविधान पढ़ने की आवश्यकता है। अमित शाह ने दिल्ली को एक प्रशासक देने वाली बात पर कहा कि यह नियुक्तियां तो पहले से चली आ रही हैं। झारखंड में जहां कांग्रेस के विचार वाली सरकार है तो वहां भी 1 वर्ष से अधिक समय से प्रशासक की नियुक्ति हुई पड़ी है और वो काम देख भी रहे हैं। चूंकि वहां कांग्रेस के विचार की सरकार है, कांग्रेस ने वहां आपत्ति नहीं जताई। वहीं जब बात शक्तियां कम करने और छीनने की आई तो उस पर शाह ने लताड़ लगाते हुए कहा कि यह सब पिछली सरकारों द्वारा बनाई गई नीतियों और संशोधनों के अंतर्गत किया जा रहा है। बुधवार को लोकसभा ने दिल्ली के 3 नगर निगमों के एक इकाई में विलय करने के लिए एक विधेयक पारित किया। शाह ने कहा, राजधानी क्षेत्र के होने के कारण राष्ट्रपति भवन भी यहाँ है, संसद भी यहाँ है, प्रधानमंत्री निवास भी यहाँ है, सारे केंद्रीय सचिवालय भी यहाँ है, ढेर सारे राजदूतालय भी यहाँ है और महत्वपूर्ण मीटिंगों का स्थान, अंतर्राष्ट्रीय मीटिंगों का स्थान भी स्वाभाविक रूप से राजनीति बनती है। दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष जब यहाँ आते हैं तो राजधानी का उनका मुलाकात बहुत स्वाभाविक होता है। उसको दृष्टिगत रखते हुए इस सिविक सेवाओं की जिम्मेदारी का निर्वहन दिल्ली के 3 कॉरपोरेशन ढंग से उठा पाए वो बहुत जरूरी है। पहले यहां पर एक ही नगर निगम हुआ करता था, उसका विभाजन कर 3 नगर निगम बनाए गए। माननीय अध्यक्ष जी, थोड़ा पीछे में सदन विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया और विपक्षी सदस्यों द्वारा पेश किए गए विभिन्न संशोधनों को पूर्ण रूप से खारिज कर दिया गया। गृह मंत्री शाह ने कहा कि चूंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसीलिए भारत सरकार को इससे संबंधित कोई भी कानून लाने का अधिकार है। शाह ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा, यह विधेयक संविधान की धारा 239(aa) के तहत संसद में निहित शक्तियों के भीतर है।
केंद्र द्वारा राज्य के अधिकारों का हनन करने के आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए शाह ने कहा, लोग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अधिकारों के बारे में बात कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी यही बात कहते हैं। मैं महाराष्ट्र, गुजरात या बंगाल के लिए ऐसा बिल नहीं ला सकता। राज्यों में न तो मैं और न ही केंद्र सरकार ऐसा कर सकता है। लेकिन अगर आप एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बीच का अंतर नहीं जानते हैं तो मुझे लगता है कि संविधान या फिर से अध्ययन करने की आपको जरूरत है। अरविंद केजरीवाल इसके बाद भी अगर यह बात न समझे तो उनको वास्तव में अपने कार्यकर्ताओं के साथ मंथन करने की तत्काल आवश्यकता है, क्योंकि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा भानुमती ने कुनबा जोड़ा वाली सोच से सरकारें नहीं चला करती। अपने सम्मान को बीच बाजार नीलाम कर देने से किसी को शोभा नहीं बढ़ती। विरोध होना आवश्यक है पर उसके मानदंड भूलकर गलिच्छ व्यवहार पर उतर जाना शर्मनाक है।